मान लेते सर जी, मैं कहना चाहूंगा ठीक है, अगर बहुमत के आधार पर चलती है तो क्या लोकतंत्र के अंदर आप विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करें? तो व्यवस्था का प्रश्न होता है, सदन साक्षी रहा है नजीरों से। हमारे माननीय विधायकों ने प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों में सदन में नजीरें पेश की, सरकारों ने भी नजीरें पेश की है। और माननीय अध्यक्ष जी इस पीठ से भी नजीरें और दृष्टांत पेश किए गए हैं। और देखने में आ रहा है कि नजरें बनती हैं और नजरों का जिक्र किया जाता है में विभिन्न चर्चाओं में विभिन्न विषयों पर उन नजरों का दृष्टांतों का जिक्र किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सदन संख्या बल को हम जानते हैं कि संख्या बल के आधार पर इस विधेयक को पारित नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन चाहता हूं माननीय अध्यक्ष की यूसीसी जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है उस पर पटल पर रहने का कहीं जिक्र नहीं किया गया। उस मसौदे का कहीं पर भी उल्लेख इस एजेंडे में नहीं है, और जिससे कि हमारे माननीय विधायक गुण दोष के आधार पर उसमें भाग लेते चर्चा करते। शासन का शासन को इतने बड़े विषय पर इतने बड़े मुद्दे पर विधेयक तैयार किया गया माननीय जी, इसकी रिपोर्ट पहले सदन में पेश की जानी चाहिए थी कि बेहतर होता। और निश्चित रूप से माननीय जी ये बहुत बड़ा प्रश्न है, जिस पर कार्यमंत्रण समिति की बैठक में मैं इंगित नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अच्छे तरह सच्चाई को बयां कर रहा हूं आपके सामने कि जो हुआ कि संख्या बल को आधार माना गया और कहा गया कि कल ही या विधेयक या प्रारूप या मसौदा प्रस्तुतिकरण विधेयक प्रस्तुत कर होगा उसके बाद ही इस पर चर्चा हो जाएगी। हमारा निवेदन था आपके आप हमारी संरक्षा के राज्यों में हमारा निवेदन था कि उसका ड्राफ्ट क्या है, उसका मसौदा कितना है, क्या कितने पन्नों का है, अध्ययन करने के लिए समय तो चाहिए, हम लेखनचित तो कर सकते हैं, इसमें क्या खामियां है, क्या कमियां है, क्या इसमें और इसमें सर्जित किया जा सकता है, इसका तो समय हमें मिलना चाहिए। और हमने कहा कि आज तो आप प्रस्तुतिकरण करिए, उसके बाद कल इस पर चर्चा हो जाए बेहतर होगा। लेकिन सरकार की का जो पक्ष देखने को मिलना बड़ा दुर्भाग्य है कि विपक्ष की आवाज को या माननीय विधायकों की भावनाओं को जिसमें वो अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं, उससे वंचित किया जा रहा है माननीय। और हद तब होगी माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया गया। संसदीय इतिहास में संभवतः ऐसा कभी देखने को नहीं मिला होगा। ये संसदीय परंपराओं की अवहेलना हो रही है माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी कार्यसंचालन नियमावली है, इस पर सब इसी से कार्य संचालन नियमावली से ही सदन संचालित होता है माननीय अध्यक्ष जी, इसकी अवहेलना हो रही है। संसदीय परंपराओं की अनदेखी की जा रही है, नियमों की अनदेखी की जा रही है, जो हमारे माननीय विधायक जो उनका अधिकार है
प्रश्न करने का। अब इस सदन में, इस सदन में, इस पंचायत में अगर हमारे माननीय विधायक अपनी बात को यहां नहीं रखें तो कहां रखेंगे? आप प्रदेश जल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, लगातार जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही, अपमान किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी। मैं इंगित नहीं करना चाहता, उस बात को हिसाब से नहीं जाना चाहता, आप भ्रष्टाचार का बोला है बोलबाला हो चुका माननीय, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, पूरा पहाड़ प्रभावित है, पूरी तराई का हमारे जो मैदानी जनपद है आज तो उनका पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाया है। सरकार यहां से घोषणा करती है, इसी सदन से, इसी पीठ से घोषणा होती है कि हम इसमें हम राहत देंगे, मदद करेंगे, लेकिन माननीय कार्रवाई होती है। दोषी मत ताजा उदाहरण, दारचूला ताजा उदाहरण है। और माननीय अध्यक्ष जी, रुद्रप्रयाग से लेकर सीमांत जनपद जितने भी हैं वहां पर हाहाकार मचा हुआ है, आज तक सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। माननीय मुद्दे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, क्या आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया? माननीय अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, किसानों के साथ जाति हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार में उद्यान विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ है और सरकार हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय निर्देश देता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा घोटाला है। और सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, सरकार सुप्रीम कोर्ट न्यायालय है और सरकार को कहा जाता है कि आखिर आपको हमारा कहना है कि सरकार में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, जिससे कि इसके गुण दोष क्या है, इसमें खामियां क्या है, कमियां क्या है, ये सब चर्चा में तब भाग ले सकें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं तो इन्होंने भाषण दिया वही तो हम कह रहे हैं, भाषण का विषय नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, भाषण का विषय नहीं है। अब आप मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्या आज सवाल नहीं है, क्या प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए? माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए था क्या? माननीय विधायकों की जो अधिकार है उसका अधिकारों का यहाँ पर उन्होंने अपने अधिकारों का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, उनका अधिकार है प्रश्न पूछने का। माननीय अध्यक्ष जी, सदन जो है कार्य संचालन नियमावली के अनुसार और अध्याय है कि कार्यक्रम सदन में लिए जाने वाले कार्य की सूचना सभा के किसी अधिवेशन के प्रारंभिक सत्र के लिए जाने वाले कार्य की सूचना विधानसभा सचिवालय को अधिवेशन प्रारंभ होने के कम 15 दिन पूर्व शासन द्वारा दी जाएगी और तदनुसार प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर सदन के नेता अथवा मंत्री परिषद के कोई सदस्य प्रश्नों के उपरांत सदन को आगामी सप्ताह के में किए जाने वाले कार्य की सूचना देंगे। कार्य सूची नंबर 1, सचिव प्रत्येक दिन के कार्य की एक सूची तैयार करेंगे और उसकी प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य को के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, ये पत्र सचिव या सचिव विधानसभा द्वारा सदन के प्रत्येक सदस्य को दिया गया है और इस में जो लिखा गया मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 173 विधानसभा /03 संसदीय 2022 दिनांक 8 सितंबर 2023 के क्रम में सर्व साधारण की सूचना सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 18 के अंतर्गत नेता सदन के परामर्श से माननीय अध्यक्ष ने आदेश दिया है कि उत्तराखंड विधानसभा का वर्ष 2023 का द्वितीय सत्र जो दिनांक 8 सितंबर 2023 के उपनिवेश की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया था कि आगामी उपवेशन सोमवार दिनांक 5 जनवरी 2024 को अपराह्न 11 बजे से सभा मंडल विधानसभा भवन देहरादून में प्रारंभ किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा का सत्र हुआ, उस सत्र को जो है स्थगित किया गया और फिर से सत्र आहूत किया गया
और जब फिर से सत्र आहूत किया गया है तो स्थगित विधानसभा सत्र की जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन इस सत्र में भी होना चाहिए था, जो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद एक पत्र सचिव विधानसभा के माध्यम से विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को मिलता है और उस पत्र में का भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं। सेवा में माननीय सदस्यगण, विधानसभा उत्तराखंड। महोदय महोदया, मुझे आपसे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2023 के द्वितीय सत्र के दौरान विधानसभा में अवलंबनीय लोक महत्व की सूचनाओं के माध्यम से उठाए जाने वाले विषय जैसे नियम 53, 58, 299 एवं नियम 300 प्रत्येक उपवेशन के प्रातः 8:30 से 9:30 दिनांक 6 फरवरी 2024 से देहरादून स्थित विधानसभा भवन में लिए जाएंगे। ये माननीय अध्यक्ष जी आपके निर्देश हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त सूचनाएं यदि कोई हो तो यथासंभव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, स्थगित सत्र को आपने पुनः प्रारंभ किया, पुनः प्रारंभ करने के बाद आपने समस्त विधायक साथियों को पत्र लिखा, कहा कि अगर कार्य स्थगन को सूचना है तो आज 6 फरवरी को जो है सुबह 8:30 से 9:30 तक जो है क्या नाम विधानसभा सचिवालय में देने का काम करे। जब सूचनाएं देने की बात आपने कही तो सत्र जो है विद्युत होना चाहिए और विद्युत सत्र इसलिए होना चाहिए कि इसमें प्रश्नकाल भी होना चाहिए, इसमें कार्य स्थगन पर चर्चा भी होनी चाहिए, यूसीसी का ड्राफ्ट भी सदन के पटल पर आना चाहिए। ऐसी क्या ऐसा क्या है कि सरकार इन तमाम चीजों से बचना चाहती है? और फिर मैं कहना चाहता हूँ, एक पत्र फिर और मैं प्रश्न तो कह रहा हूँ कि आप कहते हैं कि 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी और 8 फरवरी को विधानसभा का सत्र होगा और उसमें विधायकारी होंगे, तो विधायकारी में क्या प्रश्न प्रहर नहीं आता? क्या विधायकारी में कार्य स्थगन के प्रस्ताव नहीं आते? तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता कि हम यूसीसी का जो ड्राफ्ट आज आप ले करने जा रहे हैं, हम उसको पढ़ करके इस सदन के अंदर अपनी बात कहने का था। आज का जो एजेंडा है उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार आज ही इसको जो है सदन में लाना चाहती है और आज ही पारित कराना चाहती है। आखिर इस ड्राफ्ट को बिना पढ़े हम अपनी बात कैसे कह सकें? इसे आपका संरक्षण चाहिए। मैंने आपको बहुत शांतिपूर्वक सुना है, इसे आप भी मुझे सुनिए, मैं जो बोल रही हूँ आप पूरा सुनिए। एक तो सदनों को नियम और स्थापित परंपराओं के अनुरूप ही चलाने का प्रयास रहता है और मैं चलाने की कोशिश पूरी तरह से करती हूँ और हमें चलाना भी चाहिए। आपने नेता प्रतिपक्ष जी ने पूछा था कि हमको समय दीजिएगा, बिल्कुल आपको पूरा पटल पे रखने के बाद आपको समय दिया जाएगा और आप उसका अध्ययन करें और उस पर अपना विचार रखें। और जहाँ तक आदरणीय प्रीतम सिंह जी का पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, कार्य संचालन नियमावली के नियम 4 के अनुसार विधानसभा का सत्र आहूत होने की सूचना विधानसभा सचिवालय द्वारा सभी माननीय सदस्यों को पत्र तथा अन्य संचार माध्यमों से सभी माननीय सदस्यों को भेजी जाती है। 8 सितंबर 2023 को जब सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ तो कार्य संचालन नियमावली के नियम 18 के द्वारा पुनः संवृत्त होने की सूचना सभी माननीय सदस्यों को दी गई। स्थापित परंपरा के अनुसार सभी माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 6 फरवरी 2024 को प्रातः 8:30 बजे से सूचनाएं ली जाएंगी। इस परंपरा के अनुसार यह पत्र सचिव विधानसभा की ओर से सभी माननीय सदस्यों को प्रेषित किया गया। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सभी परंपराओं और नियमों से विज्ञ हैं। विधानसभा को शासन से जो अनंतिम कार्यक्रम प्राप्त होता है वह कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार हेतु रखा जाता है, फिर सदन का कार्यक्रम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा के बाद निर्धारित होता है। विधानसभा को जो भी अनंतिम कार्यक्रम प्राप्त हुआ था उसे दिनांक 4 फरवरी 2024 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार हेतु रखा गया
उस बैठक में यह प्रस्ताव भी आया था कि 5 फरवरी के उपवेशन में निधन के निर्देश के बाद सदन के पटल पर रखे जाने वाले विषयों को भी लिया जाए, लेकिन आपकी ओर से यह कहा गया कि यह परंपरा है कि जिस दिन सिटिंग विधायक के निधन के निर्देश सदन में आते हैं उस दिन कोई विधायी कार्य नहीं होता है। आपकी बात को मानकर 5 फरवरी को सिर्फ निधन के निर्देश की मद रखी गई। इसके बाद 5 फरवरी 2024 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह प्रस्ताव आया कि 6 तथा 7 फरवरी के उपवेशन में प्रश्न तथा सूचनाएं नहीं ली जाएंगी। उस बैठक में आप भी उपस्थित थे, लेकिन चर्चा के दौरान बिना किसी निष्कर्ष के आप समिति की बैठक से उठकर चले गए। बैठक में उपस्थित अन्य माननीय सदस्यों की सहमति से 6 और 7 फरवरी 2024 का कार्यक्रम तय किया गया, जिसकी सूचना अभी मेरे द्वारा सदन को दी गई है और माननीय दी जाएगी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा उसको हम पारित करेंगे। मत संख्या 2, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश। कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 5 फरवरी 2024 की बैठक में दिनांक 6 फरवरी 2024 एवं दिनांक 7 फरवरी 2024 के उपवेशनों को का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है। 6 फरवरी मंगलवार, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। 2 समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक का पुरस्थापन विचार एवं पारण। मान्य दर्शन इसमें कोई लिपि की त्रुटि हुई है, क्योंकि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक का पुरस्थापन विचार एवं पारण शब्द थोड़ा सा लिपि की त्रुटि में मैं महसूस कर रहा हूँ। तो कल ये तय हुआ था कि हम इसमें विचार करें, पारण हम बाद में करें, इसमें संशोधन ये भी आप अनुमति दीजिए। ठीक है, विचार करें। 7 फरवरी बुधवार, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित पर विचार एवं पारण। प्रश्न ये है कि माननीय माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना आप द्वारा इस सदन को दे दी गई है, जो संशोधन मैंने दिया है सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहिए, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहिए, हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मत संख्या 3, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में होकर चाहते हैं, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में होकर नहीं चाहते हैं, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। Yeah!
जब हम कुछ बोलते हैं तो पीठ से आता है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से सुनने का काम करें, और जब इस तरीके का फायदा अगर ऐसा नहीं, आप सुनिए, 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 आप सुनि